हाई स्टूडेंट वेलकम टू आवर नर्सिंग नोट माइ से आते हैं फेटल सर्कुलेशन रेफर्स टू द यूनिक सर्कुटरी सिस्टम दैट एलोज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिय बिटवीन द डेवलपिंग फिटस एंड द मदर तो हम सब जानते हैं मतलब नॉर्मल सर्कुलेशन जो होता है उसमें क्या होता है इनफीरियर एंड सुपीरियर सुपीडोर भिनकोबा के थ्रू राइट आरटीएम में जाता है वहाँ से राइट वेंटिकल देन उसके थ्रू पाल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में फिर लंग्स से आता है लेफ्ट आरटीएम देन लेफ्ट वेंटिकल देन थ्रू द दे एवटा होल बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है बस फेटल सर्कुलेशन में क्या होता है जब फेटस मदर उम में होता है तब उसका लंग्स एंड हार्ट काम नहीं करता जब भी वो डिवलप भी हो जाए उसके बाद भी वो नहीं होते तो उसमें क्या होता है जो ब्लड एक न्यूट्रिएंट्स देन एक्सचेंज एंड जब उस प्रोडक्ट भी हमको ट्रांसफर करना होता है फिटस से मादर तक तो वो काम करता है प्लाजेंटा थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड सो so दिस इज द स्ट्रक्चर अम्बिलिकल कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड है टू अम्बिलिकल आर्टरी एंड वन वेन नॉर्मली हम सब जानते हैं जो होता है नॉर्मली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और भैन भेन, भेन ऑक्सीज डीऑक्सीजनेटेड, बट क्या होता है हार्ट के मामले में आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो रिटर्न नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बायोलॉजिकल ओवेस्ट सी ओ टू टू प्लाजेंटा तो अम्बिलिकल आर्टरीज क्या करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बायोलॉजिकल ओएस एंड सी ओ टू जो है वो फेटरल बॉडी से लेके प्लाजेंटा तक ट्रांसफर करता है जबकि प्लाजेंटा मेटर्नल बॉडी में देता है एंड मेटरनल बॉडीज के थ्रू वो निकल जाता है एंड आम्लिकल वेन क्या करता है प्लाज मेटरनल बॉडी से जो ब्लड प्लाजेंटा के थ्रू आता है वही क्या करता है वेन लेके न्यूट्रिएंट्स के साथ फेटस बॉडी में ट्रांसफर कर देता है तो यहाँ सम है stunt मतलब लाइक जॉइंट लाइक जंक्शन डक्टस भेनोस कनेक्ट द आम्लिकल वेन टू द इन्फीरियर वेनाकोभा नॉर्मली जब दो वेन अटैच होता है उसको हम बोलते हैं डक्टस वेनोसस तो इसमें क्या होता है अम्बिलिकल वेन एंड इन्फा अटैच होता है एंड डक्टस आर्टेरियोसिस कनेक्ट द मेन पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा नॉर्मली जब दो एओर्टा और दो आर्टरीज एक साथ कनेक्ट होता है तब उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस इसमें क्या होता है मेन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा का जो कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस नाउ फोरामेन ओवेल प्ले फोराम ओवल क्या होता है एक होल होता है जो कि राइट आर टी एम एंड लेफ्ट आरटीएम के बीच होता है बट नॉर्मली क्या होता है जब जब पैदा हो जाएगा उसके बाद एक से डेढ़ साल के अंदर ये फोरामिन ओवेल बंद हो जाता है तो बट जब फेटस स्टेज में रहता है तब क्या होता है राइट आर टी एम एंड लेफ्ट आर टी एम के बीच एक होल होता है एक छेद होता है जिसको जिसके थ्रू ब्लड राइट आर टी एम से लेफ्ट आरटीएम तक आता है उसको बोलता है

ये प्लाजेंटा जो है वो मेटर्नल बॉडी से ब्लड लेके पहले अम्बिलिकल वेन के थ्रू ले जाता है लीवर में क्यों लीवर में ले जाता है क्योंकि लीवर में एक जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं डक्टस भेनोस आई मीन टू वेन का कनेक्शन वेना कोवा एंड अम्बिलिकल वेन ओके सो आफ्टर दैट ब्लड क्या होता है ये वेना कोवा के थ्रू कहा जाता है राइट right आरटीएम में राइट right आरटीएम में जाके क्या होता है ब्लड डायरेक्टली चला जाता है लेफ्ट आरटीएम में थ्रो फोराम ओवल है ओके देन लेफ्ट आरटीएम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंटिकल में लेफ्ट वेंटिकल से ब्लड एवटा के थ्रू जाके पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है लुक दिस इज द एवटा इसके थ्रू फुल बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है ये क्या है नॉर्मल सर्कुलेशन जो होता है ऑक्सीजेंटेड ब्लड सर्कुलेशन अब होता है कि इनमें तो कुछ ब्लड ऐसा भी है जो डिऑक्सीज है और उनको निकलना भी है फेटस बॉडी से तो अब क्या होता है ये जो ब्लड प्लाजेंटा के थ्रू आया राइट आर में इसमें थोड़ा सा ब्लड जो कि डिऑक्सीटेड है वो क्या होता है राइट आर से राइट वेंटिकल में आता है राइट वेंटिकल में आने के बाद ये ब्लड ये पालमरी के थ्रू जाता है डक्टस आर्टिरोसिस आई मीन टू आर्टरी का जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं डॉक्टर आर्टिरोसिस जो कि होता है पालमोरे आर्टरी एंड एवोटा के बीच तो क्या होता है ये जो डिओक्सीड ब्लड है ना ये जाता है पालमोरे आर्टरी से एवटा में फिर उधर जो डिसेंडिंग एवोटा दिस इज द डिसेंडिंग एवटा लुक दिस इज द डिसेंडिंग एओटा इसके साथ कनेक्शन होता है टू आम्बेलिकल आर्टरीज का ओके तो जो डिओसनेट ब्लड है वो पार्मोनेट आर्टाइटिस डाक्टस वे आर्टेडिस के थ्रू आता है डिसेंडिंग एओटा से जो कि कनेक्टेड है अम्बिलिकल आर्टरी से तो डिओसनेट ब्लड यहाँ से आके अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू फिर प्लाजेंटा में चला जाता है और ये एज वेस्ट मैटर्नल बॉडी में जाके फिर ये सर्कुलेट हो जाता है और एज ए वेस्ट प्रोडक्ट वो निकल जाता है मेटरल बॉडी से ओके तो दिस इज आवर होल फेटरल सर्कुलेशन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वी विल बैक विथ आवर न्यू वीडियो टिल देन यू स्टिल वॉचिंग थैंक यू